विनय आपको अनम्यूट किया है। थैंक यू सर। मैं बैच नंबर 39 से हूँ सर। आप बोल रहे थे आज बहुत वॉलेटिलिटी है, सो ऑप्शन सेलर के बहुत रिस्की है, सो यूजुअली एक्सपायरीज पे नॉट एक्सपायरी 500 का गैप डाउन, विक्स विक्स बहुत हाई है। ओके ठीक है, वॉलेटाइल। अगर एक आपको यहाँ पर ये भी साथ में बोला था कि पुटी सेल बनेगा, ओके ये समझ में आ रहा है। पुट का बिहेवियर क्या होता है, बियर का वो एक कैंडल में नीचे मार देगा तो आप खत्म हो जाएंगे 2 मिनट के अंदर। Understood, sir. Okay. और इसलिए पहले पूरा वेट किया गया, रिवर्सल देखा गया, उसके बाद आपको जाके 16,500 दिया गया। हेलो सर, आवाज आ रही? आ रही है, सही है। सर मेरा ये क्वेश्चन था सर, कल आपने दिन में 12:55 PM पे एक ट्रेड दिया था 36,500 CE का। सर बट मुझे ये समझ में नहीं आया, मतलब वो ट्रेड आपने सर कैसे दिया? सर किसी को समझ में नहीं आया, कल क्लास में भी क्वेश्चन पूछा गया था और उसमें मैंने एक ही चीज बताई थी कि मेरे कान में आके कहा उसने, मैं एक ऑप्शन सेलर हूँ है ना सबसे पहले, और जब मैं रेंज बांधता हूँ ऊपर और नीचे की तो मुझे बाइंग का स्कैल्प का हर एक मूव दिखता है, और साथ में ये भी कहा था कि स्कैल्प मूव है, और एक साथ में मैसेज भी डाला था कि सेलर ही जानता है कि कौन से पॉइंट से मूव करेगा। सर बट वो 30 सर जो लास्ट वाला स्विंग लो था 37,488 सर, हमें वहां तक तो एटलीस्ट वेट करना चाहिए था ना सर, मतलब मैं समझा नहीं आपने। यही तो डिफरेंस है ना, यही एक्सपीरियंस का और एक रीडर का डिफरेंस है। रीडर आप बन गए, एक्सपीरियंस आपने गेन करना है, समझ रहे ना आप? लो जो बता रहे हैं स्विंग लो, तो यानी रीडर हैं आप, ठीक है ना, रीड कर लेते हैं कि कहाँ पे स्विंग लो है कहाँ पे स्विंग हाई है, लेकिन एक्सपीरियंस तो चाहिए ना। जी सर। सर मैं और आपको थैंक यू भी कहना चाहता था, बेसिकली मैं आपको पिछले 2 साल से फॉलो कर रहा हूँ, बट मतलब डिसिप्लिन के साथ नहीं फॉलो किया, बट पिछले 3 महीने से जब से मैंने सर आपको फॉलो किया, मतलब आई हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट एंड ऑनेस्टली आई हैव ट्रिपल्ड माय कैपिटल। मैंने 1 लाख से स्टार्ट किया था एंड राइट नाउ मेरा कैपिटल 3,30,000 है, और सर बस थैंक यू कहना चाहता था आपको। एंड और सर मतलब काफी मजा आता है आपके साथ ट्रेड करने में, इवन दो आप कभी कभी थोड़ा हार्श हो जाते हैं, बट सर आई अंडरस्टैंड कि उस हार्शनेस से भी आप कुछ सिखाना ही चाहते हैं, बस सर वांटेड टू थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू सर। मैं सर सैफन शेख बोल रहा हूँ मैं। हाँ जी सर, मुझे ये पूछना था आपका जो मेंटरशिप प्रोग्राम है जो 1 मंथ तक चलेगा, 1 मंथ में कितने टोटल वीकली, जैसे आपने बताया 3 क्लासेस रहेंगे, तो जैसे मॉर्निंग का जो इवनिंग का भी बैच है, सिर्फ मॉर्निंग में ही चलेगा? इवनिंग बैच अभी सिर्फ डिसाइड नहीं हुआ है, मॉर्निंग बैच अभी कुछ हमारे बाहर के कस्टमर हैं, क्लाइंट्स हैं, NRI वगैरह, और कुछ वर्किंग प्रोफेशनल हैं, इनको शाम को टाइम नहीं मिलता, उनके लिए बैच डाला गया कि वो मॉर्निंग में अपना अटेंड कर ले, ये रिक्वेस्ट बहुत दिनों से थी। और सर इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह मिलेगी, कैसा रहेगा रिकॉर्डिंग वगैरह? रिकॉर्डिंग नहीं है, हमारा जो ताकत है वो मेरा हैंड होल्डिंग है मेरे अपने स्टूडेंट पे। अगर आप नोटिस करें तो फ्री में भी है और पेड में तो और है, समझ रहे ना? क्या आप पे हैंड होल्डिंग नहीं करता हूँ, आप लोग करते हो तो गुस्सा आता नहीं? तो yes. मेरा ताकत ही मेरा हैंड होल्डिंग है अपने स्टूडेंट के अंदर। और कितनी बार रिवीजन क्लासेस कितनी बार ज्वाइन कर सकते हैं? मेरा मानना है कि रिकॉर्डिंग से है ना, और बुक से आप कभी ट्रेडर नहीं बन पाते हैं। नहीं सर, अभी जो आपने क्लास में सीखा है उसको या फिर रिवीजन क्लासेस अगर हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं तो? अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, आप प्रैक्टिस करते हैं, मान लीजिए कि आपने आज क्लास ली, ठीक है, और बराबर प्रैक्टिस करने के बावजूद आपको दिक्कत हो रही है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नेक्स्ट बैच में ऐड किया जाएगा। तो वो मैं उसके लिए मुझे आपको पूछ रहा था कि भाई रिवीजन क्लासेस वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं बाद में से? अगर रिवीजन नहीं ज्वाइन, बाद में बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। यस, मतलब 1-2 से 3 महीने तक आपका सपोर्ट मिल जाएगा उसमें रिवीजन के लिए? हाँ मिल जाएगा, अगर आप 2-3 महीने बाद आएंगे और कहेंगे मुझे फिर से ज्वाइन करना है ना, फिर से नहीं सर लगातार, क्योंकि वो फिर मैं भूल भी जाऊंगा ना, जो स्टडी करेंगे वो सब भूल जाएंगे। हमारा अपने स्टूडेंट का अपना ग्रुप है, ठीक है ना, डोंट वरी, हम भूलने नहीं देते। हाय सर, दिस इज किरण हियर। सर मेनी टाइम्स आई मीन आई एम एबल टू रीड द चार्ट, बट द प्रॉब्लम इज कौन सा टाइम फ्रेम में देखो ये समझ में नहीं आ रहा, मतलब समटाइम्स इन 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, समटाइम्स इन 2 मिनट्स फ्रेम टाइम, तो इसमें एक बार लगेगा कि ये रेसिस्टेंस है, लेकिन जब 2 मिनट्स चार्ट में देखता हूँ ना रेसिस्टेंस अलग होता है, मतलब विच वन टू फॉलो? मैं हमेशा व्यू हायर टाइम फ्रेम में बनाता हूँ और स्मॉलर टाइम फ्रेम में एंट्री खोजता हूँ। ओके
एग्जैक्टली एट 16541 आपने एक सपोर्ट का ए ड्रॉ किया ना सर 16541 सो एट व्हेन इट केम टू 16541 सो आई फील दैट वो सपोर्ट है वहां से बाउंस बैक होगा तो वो रीच हो गया आई एम ऑलमोस्ट 16580 सर लाइव मार्केट में ज्यादातर कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए लाइव मार्केट में ट्रेड लेने के लिए ये 1 मिनट 5 मिनट जैसे आप एक गिरगिटान होता जानते हो जी गिरगिटान होता है जानते हो कि नहीं जानते हो गिरगिट हाँ, रंग बदलते रहता है हाँ, तो देसी मार्केट वैसा गिरगिट हम अपना रंग बदल देते हैं नहीं फिर भी आपका जैसे आप एनालिसिस करते हैं जब यूट्यूब पे वीडियो भी डालते हो तो ज्यादातर 1 आवर टू फिर 5 मिनट्स आते हैं आप तो जब लाइव मार्केट में ज्यादातर कौन सा ठीक रहेगा मतलब आपके हिसाब से हमको देखिये थोड़ा सा 10 साल का जो अनुभव होता है ना वो बाजार का रंग पहले से थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि बाजार में मोमेंटम नहीं है हम हायर लो टाइम फ्रेम में चले जाएंगे बाजार अगर वाइल्ड होगा तो हम 5 मिनट में चले जाएंगे ठीक है ठीक सर आप ऐसा लाइव सेशन सिर्फ एक्सपायरी दिन के लिए करते हैं सर एवरीडे यू वोंट बी नहीं बस हम ट्रेड ना करें क्या चाहते हो आप लोग छोड़ दें सर आप भी आज भी आप ट्रेड कर रहे हैं ना सर आप जो ट्रेड कर रहे हैं वही हम हमारे लिए भी दे रहे हैं नहीं नहीं कर रहा है देखो एक चीज बता देते हैं समझ लो जब हम ट्रेड करेंगे ना हां सर तो हम बहुत फोकस रहेंगे ओके हम आपको इंटरटेन नहीं करेंगे किसी को इंटरटेन नहीं करेंगे समझ रहे हैं ना तो एक्सपायरी के दिन मोस्टली क्या करते हैं कि हम ट्रेड नहीं करते हैं क्योंकि हम अपनी साइकोलॉजी जैसे कि अगर किसी ने निगेटिव यहाँ पे कमेंट डाल दिया कि नीचे जा रहा है हाँ समझ रहे ना हमारा व्यू ऊपर का है तो हमको एक बार वो फियर देता है हम भी ट्रेडर हैं आपके जैसे ही हैं बात समझ रहे ना बस क्या है डिसिप्लिन है थोड़ा फियर देता है तो फिर हम वो पोजिशन में उतना कॉन्फिडेंट नहीं होते जब हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं समझ रहे ना तो हम अपना वो करेंगे समझ में इसीलिए जब ट्रेडिंग में करता हूं तो मैं किसी को अपने पास नहीं आने देता हूं मेरा व्यू गलत तो मेरा लॉस होगा प्रॉफिट होगा तो मेरा प्रॉफिट होगा मुझे किसी को सुनना नहीं हेलो हाय सर गुड मॉर्निंग आई एम धनश्री थैंक यू फॉर द फर्स्ट ट्रेड व्हिच यू हैव गिवन I lost 1 lakh of my capital during the initial days, and then now I'm slightly moving into positive profit. But your trade helped me to learn more. Thank you so much. I just want to tell this. Hello. हाँ जी. हाँ सर. सर अभी आपने ये हार्मोनिक पैटर्न जो बनाया है, तो इसमें आपने जो मतलब ये W फॉर्म का है मतलब इससे ये दिख रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगा यहाँ पे एक मतलब मैं बस पूछना ये चाह रहा हूँ कि क्या ये भी व्यू है कि अभी यदि इसको उल्टा यदि देखा जाए तो जैसे इसका लोअर जो है पॉइंट ए और अभी जो आप टॉप पे एक स्टैटिक ट्रेंड लाइन बनाए हुए हैं 16602 पे वहां से यदि लिया जाए एक्स ए एंड देन बी will be 16,500 जबरदस्ती हर जगह थोड़ी ना बना देंगे यही तो समझना हाँ वही जहाँ पे होगा वहाँ पे बनेगा ना ओके तो मतलब इसके पीछे क्या लॉजिक है ये जानना चाहता हूँ मतलब इसके पीछे का लॉजिक क्या है ये फिबोनाची नंबर है यार ओके जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम करता है ओके सो कभी हमने देखा है कि आपने जब ड्रॉ किया ना तो कभी एक्स और डी के बीच में 0.886 है और कभी 786 है और इसके बीच में रहता है तो वो एक दिन में नहीं हो पाएगा यार वो एक फिबोनाची सीरीज है ना और बहुत इनफिनाइट सीरीज है वो हाँ जी सर कैन आई आस्क माय क्वेश्चन हाँ प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू रियली थैंक यू सर मैं आपको पिछले 1 मंथ से फॉलो कर रहा हूँ ऑन यूट्यूब एंड टेलीग्राम एंड आई हैव सीन इम्प्रूवमेंट इन माय एनालिसिस लाइव एंड इवन आफ्टर द मार्केट इज ओवर मेरे को ये पूछना था सर जो आपका कोर्स है द मेंटरशिप प्रोग्राम दैट यू गाइस आर रनिंग उसमें कितना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है बिकॉज़ आई एम फेयरली न्यू टू स्टॉक मार्केट कुछ भी नहीं हम लोग वहाँ बहुत बेसिक से जाते हैं इवन आपको चार्टिंग भी सिखाया जाता है कि टूल्स कौन से कैसे यूज करने हैं बहुत बेसिक से जाते हैं ओके एंड मैंने सुना आपने मेंशन किया कि वो किसी भी मार्केट के लिए वैलिड है तो मैं यूएस में रहता हूँ तो कैन आई इवन लाइक यूज दिस स्ट्रेटजी किसी भी मार्केट में बच्चा प्राइस एक्शन है ना तो हमारा बेस क्या है प्राइस समझ में है ना प्राइस रीड करना और उसको रिफाइन करना हार्मोनिक से समझ में है ना और अदर टूल से तो वो दुनिया में अगर ईसीजी का चार्ट ले आएंगे ना आप उसको भी रीड कर सकते हैं समझ में है ना किसी जगह पे भी रीड कर जिस चीज का चार्ट
अवेलेबल है, आप उसको रीड कर सकते हैं. कोडवाइजर हमारे स्टूडेंट्स कहते भी है, कोडवाइजर कैन ट्रेड एनीथिंग विच इज ट्रेडेबल.